मोदी जी के पहले, इस 5 साल के पहले ये धरती चपटी थी, मोदी जी ने उसे गोल कर दिया। सूरज में रोशनी नहीं थी, मोदी जी ने रोशनी डाल दिया। पीड़ित व्यक्ति बोला, ये पीड़ित बोला, लल्ला बोला, लल्ला, ये देखिए, ये लल्ला बोला, क्योंकि पीड़ित है ये। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट में भी बीजेपी नेता और विपक्ष के बीच बहस में बीजेपी नेता ही हावी होते दिखाई देते हैं, पर कई ऐसे पल भी हैं जब विपक्ष ने भी बीजेपी नेताओं को सवालों में घेरा हो और परेशान किया हो। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह की। आइए देखते हैं उनकी डिबेट्स जब उन्होंने बीजेपी नेताओं को परेशान किया। इंडिया टीवी पर 2019 के चुनावों को लेकर एक डिबेट में अखिलेश प्रताप सिंह और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी सामने आए। एंकर के सवाल को जवाब देते अखिलेश बीजेपी और मोदी जी पर तंज कसते नजर आए और इस पर सुधांशु चुप ही दिखाई दिए। जो कुछ हुआ इस देश में वो आदरणीय मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में हुआ है। इसके पहले, मोदी जी के पहले, इस 5 साल के पहले ये धरती चपटी थी, मोदी जी ने उसे गोल कर दिया। सूरज में रोशनी नहीं थी, मोदी जी ने रोशनी डाल दिया। पहाड़ों पे बर्फ नहीं था, मोदी जी ने उस पर बर्फ ला दिया। नदियों में पानी नहीं था, सब मोदी जी ने कर दिया। अभी इन्होंने कहा अभी कि पाकिस्तान से आगे हम गिड़गिड़ाते हैं। अरे सुधांशु जी, उस देश का हम लोग इतिहास भूगोल बदल चुके हैं जब आप लोग चड्डी पहन के घूम रहे थे, अब जाके आप लोग फुल पैंट में आए हैं। आज के तारीख में इवन मोदी जी भी 5 साल के मोदी जी के कर्तव्यों, क्रियाकलापों, उनको उपलब्धियों का जिक्र नहीं करता है। जैसे मित्रों, आपके खाते में 15 लाख मैंने डाल दिया ना, डॉलर के दाम रसातल पे ले आया ना, गैस पेट्रोल के दाम जमीन पे लाया ना, 2 करोड़ नौकरियां दी ना। 5 वर्षों में मोदी जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया क्या? बंगाल में चुनाव के मुद्दे पर आज तक पर संबित और अखिलेश के बीच तीखी बहस हुई। अखिलेश मोदी पर तंज कस रहे थे, तभी संबित बीच में बोलने लगे, जिस पर अखिलेश ने भी करारा जवाब दिया कि देश आज ये सुनना चाहता है, मित्रों देखो मैंने 15 लाख आपके खाते में डाल दिए ना, मित्रों देखो नौजवानों मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मैंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे दी कि नहीं दे दी, मैंने किसानों का उपज का 2.5 गुना कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने गंगा मैया को साफ कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने काशी को क्वेटो बना दिया कि नहीं बना दिया, डॉलर को मैं जमीन पे ले आया कि नहीं लाया, पेट्रोल का दाम मैंने एकदम नीचे कर दिया कि नहीं कर दिया, और बर्गर भी बना दिया, मैंने बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। भाषा, देखिए पीड़ित व्यक्ति बोला, ये पीड़ित बोला, लल्ला बोला, लल्ला, ये देखिए, ये लल्ला बोला, क्योंकि पीड़ित है ये, तो ये सुन नहीं सकता शुरू कर देते, क्योंकि यही सुनना देश चाहती है, ये बोल नहीं सकता ना, इनके प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, बोल नहीं सकता है, आप रोज रोज हिंदू पाकिस्तान, हिंदू पाकिस्तान करेंगे, मत बोलिए, बोलिए बोलिए सर, आप तो मुस्लिम पार्टी है, ये वादे थे, बोलिए सर, मौलाना साहब बोलिए, आप तो ऐसे ही मुस्लिम पार्टी है, अरे अरे नवाब, बोलिए बोलिए मौलाना साहब, बोलिए मौलाना साहब, बोलिए, आप तो ऐसे ही मुस्लिम पार्टी है, बोलिए बोलिए, आतंकवादियों का प्रेस नोट जारी करने वाले तुम हो, मोदी जी को जल्दी किसी और मस्जिद भेजो, बोलिए बोलिए, मोदी जी को जल्दी किसी और मस्जिद भेजो, कब जाने वाले हैं, कब तुम जाली की टोपी पहन के आने वाले हो? मत अरे मेरे भाई, गुस्सा मत करो, जल्दी बोलो, फिर उसके बाद सिकंजी वाला कोका-कोला भी पीना है हमको, उस पे नहीं बोलोगे कभी। इंडिया टीवी पर एक डिबेट में अखिलेश ने बीजेपी नेता से कुछ शब्दों का इस्तेमाल ना करने को कहा। बीजेपी नेता ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब देखते हैं कि क्या वह चैलेंज पर पूरा खरे उतर पाए कि नहीं। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक आतंकवाद, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, अब एक चैलेंज आया था कि बीजेपी के लोग 2 मिनट 6 शब्दों के बिना नहीं बोल सकते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, समय शुरू कर रहा हूँ सर। अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था, किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था, और मैं युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, ये वही लखनऊ है,
ये वही लखनऊ है जहाँ 1916 में अब मैं इससे पैसे बता रहा हूँ, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना, पाकिस्तान आ गया, आ रहा हूँ ना, पाकिस्तान आ गया, सुनिए तो, अरे भाई सेकंड में पाकिस्तान आ गया, अरे भाई 10 सेकंड में पाकिस्तान आ गया, अब मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, अरे मैं बोलूँ, अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया, हमने या शशि थरूर ने, हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया, हमने या शशि थरूर ने, हिंदू आतंकवाद किसने कहा। न्यूज 18 पर कोरोना पर सियासत के मुद्दे पर डिबेट में अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर संबित तंग आ गए। दूसरे दिन उस प्रदेश के उस अधिकारी ने उन लोगों से फोन किया, उस लड़कों ने बताया कि एक फोन आया था, मैंने उस अधिकारी को फोन किया तो पूछा भाई क्या सिस्टम है, कहा साहब हम लोग उससे बात कर रहे हैं, जो ये मैं बता रहा हूँ कैसे इनका सिस्टम वर्क कर रहा है। फिर उस अधिकारी ने कहा, आप सोचिए इस व्यक्ति के साथ बैठ के हम लोग को डिबेट करना पड़ रहा है, एक घृणक घृणक शब्दों के कि हमारे मुख पे काली पोता जाएगा, कैसे अपने आप को समझ गए, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये अपने आप को कैसे समझ गए, ऐसे व्यक्तियों को कान पकड़ के ये कैसे और माफी मांगनी चाहिए, अरे सच के साथ ये कैसे समझ गए, चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका, शर्म आनी चाहिए, अपने आप को समझ गए, शर्म आनी चाहिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, कैसे समझ गए अपने आप को, आप कोई नहीं, आप किसी भी व्यक्ति अपने आप को, आप एक्स वाई जेड, चोर की दाढ़ी में तिनका वही होता है ना, किसको किसको गुखाने की बात कर रहे थे, किसको गु खिला रहे थे, आप बताइए किसी को भी, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी व्यक्ति को गु खिला रहे थे, अपने आप को कैसे समझ लिए, गु खिलाने की बात, आप अपने आप को कैसे समझ लिए, ये भाषा आप अपने आप को कैसे समझ लिए, सोनिया जी आप अपनी भाषा देखो, सोनिया जी अपनी भाषा देखो, अपनी भाषा आपको, अपनी भाषा देखो, सच के साथ सच जैसा व्यवहार किया जाता है, ये थी कुछ डिबेट जिनमें अखिलेश प्रताप सिंह ने बीजेपी नेता को करारा जवाब दिया। विपक्ष अगर ऐसे ही सवाल पूछता रहेगा तो शायद जनता की परेशानियों का हल भी जल्द हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।